इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए बेबीज डायपर पैंट जो कि हमारे पास है। तो देख सकते हो, चलिए सबसे पहले इसके अंदर जो भी चीजें उसको निकालते हैं। तो यहां पर देख सकते हो हमें जो है एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो है हमें बेबीज डायपर पैंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर जो भी केमिकल है उसको बाहर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें जो है 8 है जो है पैंट है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके जो है इसके अंदर जो भी केमिकल है उसको जो है बाहर हमें जो है निकालना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि इसके अंदर जो भी केमिकल रहता है उसका नाम है सोडियम पॉलीक्रिलेट, जो कि कैसे काम करता है सारी चीजें आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें जो है इसके अंदर जो भी केमिकल है उसको जो है बाहर निकालना है। तो देख सकते हो मैंने जो है पैंट में से जो है जितने भी रुआ था उसको जो है बाहर निकाल दिए हैं। अब हमें जो है पानी को जो है फ्रीज करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, आगे का प्रक्रिया जो भी है सारी चीजें आपको हम बताते हैं डिटेल में। तो देख सकते हो इसके अंदर जो है जो भी यहाँ पर कॉटन आपको दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारा केमिकल है जो कि उसका नाम है सोडियम पॉलीक्रिलेट। तो इसमें जो है हमें पानी डालना पड़ेगा, पानी में जो इस केमिकल को हमें डालना पड़ेगा क्योंकि इस कॉटन में से जो है केमिकल नहीं निकल पा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉटन को ही पानी में डालेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, डालने के बाद जो है हम इजीली पानी को जो है फ्रीज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें जो है पानी को फ्रीज करने के लिए सबसे पहले जो है इस कॉटन को जो है पानी में डालना पड़ेगा। तो चलिए पानी में डालते हैं। तो इसके लिए जो हमें क्या जरूरत पड़ेगा, तो बस हम सिंपल सा जो है एक जादुई कॉटन को हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा। थोड़ा सा और डाल देते हैं। डालने के बाद अब चलिए आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो चलिए इतना काफी है। इसके बाद जो है आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो चलिए इसमें जो है हमें पानी को डालना पड़ेगा। देख सकते हो इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो चलिए इसमें जो हम पानी को डालते हैं। देख सकते हो इसके अंदर जो है पानी को हम डाल दिए हैं। अब जो है थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा देर वेट करते हैं, इसको यहाँ पर साइड कर देते हैं। तो चलिए आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको दिखाते हैं। तो चलिए ट्रांसपेरेंट ग्लास निकालते हैं। तो इसके अंदर हमें जो है डालना पड़ेगा एक जादुई कॉटन। तो चलिए इसमें डालते हैं। देख सकते हो, अब चलिए इसमें जो हम पानी को डालते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव एग्जांपल। तो देख सकते हो आपको दिख रहा होगा यहां पर, इसको भी साइड कर देते हैं अभी के लिए। तो इसके अंदर हम पानी को डाले थे, देख सकते हो एक जादुई कॉटन में। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर से पानी अभी गिर रहा है, देख सकते हो अभी गिर रहा है। थोड़ा देर और वेट करेंगे तो इसके अंदर से पानी नहीं गिरेगा, बर्फ गिरेगा। अभी थोड़ा देर और वेट करते हैं। हाँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर से हम जो है इस तरह से कर रहे हैं तो देख सकते हो पानी नहीं बर्फ गिरेगा। देख सकते हो इसके अंदर जो भी पानी था पूरी तरह से जो है जादुई कॉटन जो है बर्फ बना दिया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो ये नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, चलिए आपको बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसको साइड कर देते हैं। तो चलिए इसको बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। देख सकते हो आपके सामने है बर्फ बन गया पानी। देख सकते हो इस ग्लास के अंदर भी जो भी बर्फ बना है उसको भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हो पहले इसमें से पानी निकल रहा था और अभी देख सकते हो बर्फ निकला। तो देख सकते हो ये जो है आप इस तरह से जो है आप घर में आप बर्फ बना सकते हो, लेकिन इसको आप खा नहीं सकते हो क्योंकि इसके अंदर जो है केमिकल रहता है आपके शरीर के लिए जो है हानिकारक हो सकता है। तो इसको जो आप मजे मजे के लिए आप जो है आप घर में ट्राई कर सकते हो, जो कि यहाँ पर देख सकते हो ये बर्फ बन चुका है। देख सकते हो आपके सामने है, क्योंकि ये पहले था कॉटन, इसमें पानी को डाले तो देख सकते हो ये बर्फ बन गया आपके सामने है, देख सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप बताइएगा। और आप भी इस एक्सपेरिमेंट को घर में ट्राई कर सकते हो। बस यहाँ पर जो है जो भी बर्फ बनेगा इसको आपको खाना नहीं है, अगर आप खाते हो तो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा।
तो आप मजे मजे के लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में ट्राई कर सकते हो। और आप इसी तरह का और भी एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको धमाकेदार टॉपिक पे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।